हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं हूं निधि और पॉजिटिव आशा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं पुणे की फेमस मैंगो ड्रिंक मैंगो मस्तानी, जो बनाने में बहुत आसान है और इसका स्वाद लाजवाब है। मुझे भी ये बहुत पसंद है। गर्मियों का मौसम है, आम का सीज़न है, तो मैंगो मस्तानी तो ट्राई करना बनता है। तो चलिए इसे बनाते हैं मेरे साथ, मेरे स्टाइल में। मैंगो मस्तानी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 मैंगो, 1 कप दूध, 4 से 5 चम्मच चीनी। डेकोरेशन और गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ सौंफ लिए हैं, कटे हुए बादाम, पिस्ता और वनीला आइसक्रीम जो मैंने घर में ही तैयार की है। तो सबसे पहले हम मैंगो को पील कर लेंगे, यानी इसके हम छिलके उतार लेंगे और इसके बाद हमने इसे पीसेज में काट लेना है। तो देखिए, मैंने इसे काट लिया और अब जो बड़े पीसेज हैं उसे हम शेक बनाने में इस्तेमाल करेंगे और जो छोटे पीसेज हैं नीटली कटे हुए हैं उसे हम डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम इसे पीसते हैं। तो मैंने ब्लेंडर में मैंगो के पीसेज को डाल लिया और अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 चम्मच चीनी। आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज़्यादा मीठा कर सकते हैं। साथ ही 1 कप दूध ऐड करेंगे और इसे हमने पीस लेना है, ठीक जैसे हम मैंगो शेक बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से। अब इसमें हम 4 से 5 स्कूप वनीला आइसक्रीम ऐड करेंगे। ये आइसक्रीम मैंने घर में ही बनाई है। अगर आप इसकी रेसिपी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो ये देखिए, हमारी मैंगो मस्तानी बिल्कुल रेडी हो गई है, बहुत ही क्रीमी क्रीमी सी तैयार हुई है। अब इसे हम सर्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ग्लास में मैं मैंगो के पीसेस डाल रही हूँ जो हमने शुरू में बचा कर रखे थे। तो देखिए, अब इसके बाद हमने जो मैंगो शेक तैयार किया है उसे हम डालेंगे। थोड़ी सी जगह ग्लास में खाली रखेंगे। अभी हमें आइसक्रीम भी डालनी है और ये 2 स्कूप मैं इसके ऊपर आइसक्रीम डाल रही हूँ। और इसके बाद हम एक बार फिर से थोड़े से कटे हुए आम इसके चारों ओर रख देंगे और इसके ऊपर कटे हुए बादाम और पिस्ता से इसे सजा देंगे। आप चाहें तो टूटी फ्रूटी से भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। और थोड़े से मैं यहाँ शुगर कोटेड सौंफ डाल रही हूँ, मेरे पास ये थे तो मैं इसलिए डाल दे रही हूँ। और बस रेडी है हमारी मैंगो मस्तानी खाने के लिए और खिलाने के लिए। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। अचानक से मेहमान आ जाए तो आप उन्हें सर्व करें, उन्हें भी बहुत पसंद आएगी। मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। मुझे आपकी वैल्यूबल फीडबैक का हमेशा से इंतज़ार रहता है ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस बना सकूं।